क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए बी आर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक लाइन है ए बी, उसके अपन को पॉइंट्स दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी, अपन को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सच दैट इस तरह से दे रखे हैं, ये अपन को देखिए ए पी बराबर है 3/7 ए बी के, और पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी, जो पी पॉइंट है इस पे लाइन सेगमेंट भी लाई करता है, और अपन को रेशियो भी नहीं दे रखा है, अपन पॉइंट्स निकालते हैं, अपन को ये गिवन है ये ले लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं 7AP 3AB, ए बी पूरा तो ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, तो वही लिख रहे हैं, इस ए बी को अपन लिख रहे हैं ए पी प्लस पी बी 7AP, ठीक है 7AP 3AP 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3PB, इसको दे लिया है ए पी माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB, कितना हो गया 4AP इज इक्वल टू 3PB, ठीक है ए पी के नीचे पी बी आ गया, इनका रेशियो कितना बन गया 3/4, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, सॉरी ये क्या है ए पी है ना, ए पी की वैल्यू रेशियो 3:4 में डिवाइड हो गया। अब अपन इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, एक्स कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है अपना 3, x2 कितना है अपने पास 2, m2 कितना है 4, x1 कितना है अपने पास -2, m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 4, 3 2 6, 4 2 8, -8 7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2/7, क्लियर। अब इसका निकालेंगे y का कोऑर्डिनेट, m1 by 2 प्लस m2 by 1, m1 प्लस m2, m1 कितना है अपने पास 3, y2 कितना है -4, m2 कितना है 4, y1 कितना है -2, 3 प्लस 4, 3 4 12, 4 2 8, 7, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 9 10, 20, -20/7, तो क्या हो गए, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या लिखा है पी डायग्राम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज कितने हैं -2/7 एंड -20/7, ये नॉट इट अंडरस्टैंड्स। क्वेश्चन में टेन दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, अपन को एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, इसकी वर्टाइसिस दे रखी है रोम्बस, इसकी वर्टाइसिस दे रखी है अपन को, और बस इतना ही रखा है अपने ब्लैक कर लिया, इसके वर्टाइसिस ए बी सी डी को मान लिया है, अपन जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ डायगनल 1 × डायगनल 2, ठीक है अब निकालेंगे हाफ डायगनल 1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी ए सी है ना डायगनल ए सी, तो क्या आएगा -1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 4 - 0 का स्क्वायर इंटू डायगनल 2 कौन सी है BD, तो -2 - 4 का स्क्वायर -1 - 5 का स्क्वायर हाफ -± -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर हाफ कितना हो जाएगा 4 4 16 प्लस 4 4 16 इंटू 36 + 36 ये होगा हाफ कितना हो गया √32 × √72, क्लियर। अब करिए ये 5 बार 2 आता है इसमें, तो 5 बार तो 4 बार निकल जाएगा, एक √2 बच जाएगा, ठीक है 72 का देखना पड़ेगा, 72 का एलसीएम लेंगे फिर उसको देखेंगे, इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6√2, मैंने निकाल के रखा था इसलिए मुझे पता है 2 से 2 कट गया, ठीक है 2 × √2 × √2 2 और ये 6 6 12 12 24, इसका कितना आ गया एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स 24 स्क्वायर यूनिट, ओके नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है।